कैसा लग रहा है आपको रीअरेंजमेंट? एसे टेलीकॉम, ये मेरी पर्सनल लैब है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए वेस्ट लगता है, तो जो रनिंग स्टेंसिल्स होती हैं हम उसको यूज़ करते हैं। सो ये रनिंग स्टेंसिल्स हैं, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, कभी कोई भी स्टेंसिल्स आए तो इस तरह से उठा। किस तरीके से अपने इन टूलों का यूज़ करता हूँ मैं, और इन सारे टूलों को भी बताता हूँ यहाँ कितनी मैसी ये लग रही है। इसको मैं डेली साफ करता हूँ हमेशा काम करने के बाद। काफ़ी हद तक हमने टेबल को अरेंज करने की कोशिश की है, और देखिए जो एक सनशाइन का DSO मल्टीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी वायर को मैंने यहाँ पर देखिए। तो एक बार हमने सस्ता भी यूज़ करने की कोशिश की है कि देखो अगर इससे काम हो जाता है तो बेस्ट है। हमें ये मिलता था 800 रुपये का, ये हमने 450 रुपये का लिया है। और ये IC को उठाने के लिए, तो ये दोनों ट्विन वन है, ये IC को उठाने के लिए है। मैकेनिक का है ये टूल रिपेयर ऑर्गेनाइज़र, इसको हम बोलते हैं। काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साइड में छोटे छोटे यहाँ बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसके अंदर सारी रैम है और इसके अंदर MMC है सारी, और इसके अंदर NAND है क्योंकि iPhone और Android दोनों पे काम करते हैं हम कंपनियों। तो ये मेरे को 400 रुपये की मिली यार, 500 रुपये की, अब क्या बोलूँ मैं, इससे सस्ती क्या है। तो अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि कोई टूल का एरर तो नहीं आ रहा है। हीटिंग भी चालू हो गई, और ये देखिए, तो मैंने क्या बोला, चाहती है वो आती भी है, बट अभी वो आना नहीं चाहती है। कोई नेक्स्ट वीडियो में उनसे लेंगे। अब कमेंट करो कि अब मैं वाइफ को वीडियो में लाऊं कि नहीं लाऊं। तो ये आपका, आपने ले लिया ये? हाँ मेरा हो गया वो, मुझे बहुत पसंद आया। उसमें बहुत सारे पार्टीशंस हैं जो मेरे नेकलेस, इयररिंग्स और भी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते। चलो ठीक है, बाकी दोस्तों ये आप अपना जरूर लीजिए। इसमें आप पर्टिकुलर एक IC का मॉडल लग सकते हैं। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सो हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं देवतन अग्रवाल स्वागत करता हूँ एक वीडियो में। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो एक मोबाइल रिपेयरिंग के टूल के रिलेटेड है। आज थोड़े से टूल्स बुलवाए हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अरेंजमेंट कर सकते हैं आपके टेबल को, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिलाइटफुल बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर टेक्नीशियन की टेबल क्लीन एंड नीट होगी तो काम करने में बहुत मज़ा आएगा, और आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो घूमेंगे नहीं, ICR घूमेंगे नहीं, आपके टूल्स बराबर रखे होंगे, आपके कोई टूल्स आपसे बार बार गिरेंगे नहीं, तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो टेबल है काफ़ी मैसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी जो स्क्रैपर्स, ये देखिए, ये जितने भी जो स्क्रैपर्स रखे हुए हैं ये सारे, ये आप देख सकते हैं। ये ब्लेड, कोई भी यहाँ से मान लो कोई अगर बच्चा आता है तो कुछ भी उठा सकता है। और ये सारे टूल्स और स्क्रैपर्स जो अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी मैसी ये लग रही है। इसको मैं डेली साफ करता हूँ हमेशा काम करने के बाद। और आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मुझे जो क्या लगती है, फील होता है कि जब भी हम कोई IC पे काम करते हैं, और जैसे अभी देखिए एक OnePlus पे काम कर रहा हूँ मैं, और OnePlus का ये बोर्ड है, दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी ये देखिए, और ये क्रैश डम मोड का है इसका, हमने अभी CPU निकाला हुआ है, और ये CPU है इसका। ये हालांकि पैड लाइन क्लीन है, अब हमें CPU क्लीन करके ये देखिए लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, ये CPU निकालने के बाद मैं यहाँ रख दिया है, ये देखिए यहाँ रख दिया है, और ये CPU निकालने के बाद यहाँ रख दिया। तो ये सारी चीज़ें ना दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो ICAं होती हैं, छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट ICAं होती हैं जिसको हम बदल देते हैं, और हमें लगता है कि ये IC हमारे बाद में यूज़ आ सकती है, तो वो गुम जाती है। और ये अरेंजमेंट मुझे रीअरेंज करने के लिए छोटे छोटे टूल्स बुलवाए हैं,
बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो आपके साथ शेयर करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा बने रहिए एंड तक, हो सकता है एक छोटा टूल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और इसमें बहुत मुझे अच्छे लगे टूल्स, तो ये मैंने ऑर्डर किए, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं जहाँ से भी आपको लगे, ऑनलाइन या किसी शॉप में जाकर। मैं किसी टूल वाले का नाम नहीं बोलूँगा, बट मैं ये बोलूँगा कि जहाँ से भी आप ऑर्डर कीजिए, बकायदा देख के ऑर्डर कीजिए और अपने रिस्क पे ऑर्डर कीजिए। ये एक टूल की वीडियो है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। बाकी दोस्तों, एशिया टेलीकॉम के बारे में अगर आप जानते हैं तो हमारे फेसबुक पे जाके डेली लाइव देख सकते हैं। आप अगर अभी देख रहे हैं और वो कोई सा भी दिन हो, तो आज के दिन का ही लाइव आप जाके देख सकते हैं। फेसबुक पे आप सर्च करें एशिया टेलीकॉम और उस पेज को फॉलो करें। एशिया टेलीकॉम आए, एक अपना ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बताओ, आप भी कीजिए और पार्ट बनिए एशिया टेलीकॉम टीम की और पार्ट बनिए। तकरीबन 1,00,000 के ऊपर लोग फेसबुक में हमें फॉलो कर रहे हैं, आप भी कीजिए और पार्ट बनिए एशिया टेलीकॉम टीम का। थैंक यू वेरी मच। और अपडेट देखिए कुछ दोस्तों, बात करते हैं अरेंजमेंट की और टूल की, तो आइए देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में सबसे पहला मैंने ये लिया हुआ है मैकेनिक का, ये देखिए मैकेनिक का है ये टूल रिपेयर ऑर्गेनाइजर, इसको हम बोलते हैं। काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साइड में छोटे छोटे यहाँ बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो मैं आपको इसको रख के दिखाता हूँ। फिलहाल आप इसको देखिएगा, ये देखिए, तो ये ऑर्गेनाइजर है टूल बॉक्स मैकेनिक की तरफ से। काफ़ी एक अच्छा टूल मुझे लगा और इसमें बॉक्स भी है और डिज़ाइन और लुक के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम है। और प्रीमियम क्या है, प्लास्टिक का है, बढ़िया है कि अच्छा दिखता है। दो कलर है और ये भी नहीं है कि चार पांच कलर दे दिए हैं अलग से, कुछ भी डाल दिया है। एक ख़ास तौर पे मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए है, तो नॉर्मल आप जाते होंगे किसी दुकान से, किसी भी तरह का बॉक्स लाते होंगे। आप देखिए मैं भी किस तरह का बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप खुद देखिए। देखिए हम कुछ भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरे को स्क्रैपर्स टूल्स रखे हुए हैं और आप देखिए जो मेरे स्टेंसिल्स हैं, आप ये देखिए स्टेंसिल्स मेरी कहाँ हैं। आप खुद देखेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे, क्योंकि स्टेंसिल रखने के ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिब्बे नहीं है दोस्तों। डिब्बे मेरे पास बहुत सारे हैं, ये देखिए बाकायदा मैंने ऐसे डिब्बे काफ़ी लेके रखे हुए हैं, पर बार बार इन डिब्बों को जाना खुलना एक टाइम वेस्ट लगता है। तो जो रनिंग स्टेंसिल्स होती हैं हम उसको यूज़ करते हैं, सो ये रनिंग स्टेंसिल्स हैं, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। कभी कोई भी स्टेंसिल्स आए तो इस तरह से उठा लूँ। आप केबल देख लेंगे कितने मैसी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से हम इसको जमा कर मैं आपको बताता हूँ। और अब भी ये वीडियो फिर से मैं दिखाऊंगा, पर इस बार आप देखेंगे टेबल बिल्कुल एक रीअरेंजमेंट होगी और उसके साथ आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से अपने इन टूलों का यूज़ करता हूँ मैं, और इन सारे टूलों को भी बताता हूँ। यहाँ से लाइन से इन टूलों को लगाऊंगा और ये सारे टूल्स आप देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि एक अच्छा टेक्नीशियन, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियंस हैं तो आप अपनी टेबल को बिल्कुल ठीक उस तरह साफ कीजिए जिस तरह एक साफ दिमाग का एक व्यक्ति अपने दिमाग को साफ रखता है, किसी भी तरह की गंदगी नहीं होने देता है, और वही आदमी आगे बढ़ता है जो सिर्फ अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में सोचे और ये सोचे कि आगे कैसे बढ़े, ना कि दूसरों की बुराई करके। सो चलिए टूल को रीअरेंज करते हैं और मिलते हैं कुछ पल भर में और देखते हैं क्या क्या टूल्स मैंने लिए हैं, और वो बेसिक टूल्स हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस हमारी टेबल अरेंज हो चुकी है, आइए एक बार लुक देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने इसको अरेंज की है। आपको टूल्स दिखाने के लिए भी तो मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा आपको, ये देखिए काफ़ी हद तक हमने टेबल को अरेंज करने की कोशिश की है। ये देखिए जो ये ऑर्गेनाइज़र लिया है, काफ़ी हद तक आप देख सकते थे कि पहले हमारी टेबल किस तरह से दिखाई दे रही थी। ये देखिए, और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने सिर्फ अभी बताने के लिए यहाँ पर सामने रखी हैं, फिर सब चीज़ों को हटा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने हद तक 98% हमने टेबल को क्लीन कर लिया है, और जो भी चीज़ें हैं वो काम की हैं, और उस चीज़ों को तो हमें रखना ही है, हम उनको हटा नहीं सकते।
तो कैसा लग रहा है आपको रीअरेंजमेंट? एसे टेलीकॉम, ये मेरी पर्सनल लैब है, आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। और अब सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ, और तो सबसे बेस्ट मुझे जो चीज़ लगी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो धीरे धीरे एक चीज़ के बारे में आइए बताते हैं डिटेलिंग से कि क्या क्या है। छोटी छोटी चीज़ मैं बुलवाता रहता हूँ जो मुझे लगती रहती है। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं, ये क्या है। तो ये ब्लेड्स है मोबाइल रिपेयरिंग के में, अगर आप काम करते हैं माइक्रो जंपरिंग या चिप लेवल पे तो ये ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। और ये पैकेट हैं दोस्तों, ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, 200-250 रुपए के अंदर के ब्लेड होते हैं। तो ये ब्लेड जो है ये आप देख सकते हैं, ये 22 नंबर का ब्लेड है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जैसे अगर आईफोन पे काम कर रहे हैं तो उसकी पावर आईसी पे जो ग्लू होता है वो ग्लू को हटाने के लिए ये ब्लेड काफ़ी यूज़ होता है, और हर टाइम नया ब्लेड यूज़ करना होता है, इसलिए ब्लेड की ज़रूरत बहुत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये 22 नंबर का ब्लेड है, तो ये मैंने लगभग 100 बुला के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 100 का पैकेट है, काफ़ी अच्छा है और ज़रूरत पड़ती है ये तो। और इसके अलावा एक ये है, तो ये आप देख सकते हैं, ये 11 नंबर का ब्लेड है, ये तो सबसे ज़रूरत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन ब्लेडों की, ये देखिए। और ये ओल्ड सेप में ब्लेड है, जो नया सेप में ब्लेड आया है दोस्तों, ये ओल्ड सेप में है। ये वाला ब्लेड सबसे बहुत स्क्रैचिंग करने के लिए, माइक्रो जंपरिंग करने के लिए, जब हम माइक्रो जंपरिंग में स्क्रैचिंग करते हैं, लेयर की स्क्रैचिंग करने के लिए ये ब्लेड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस ब्लेड को एक बार मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छे हद तक स्केचिंग में काम आता है, तो उसको मैं रख देता हूँ सेफली, लगे नहीं किसी को। तो ये 100 ब्लेड मैंने बुला के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे 200-250 रुपए के रेंज में मिले, तो इस तरह से ये मैंने ब्लेड बुलाया है। दूसरा टूल की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2UUL के स्क्रीन ओपनर, ये स्क्रीन ओपनर है, काफ़ी हद तक हमें यूज़ होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने बुलाया है, ये केस ओपन, जब हम फ़ोनों के केस ओपन करते हैं और स्क्रीन ओपन करने का, आईफोन के टाइम पे भी जब हमें थोड़ा सा स्क्रीन ओपन करना होता है या बैक कवर, तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्रीन या बैक कवर ओपन करने के लिए, तो ये टूल्स मैंने बुला के हैं। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी टूल्स है, ये सबके पास होते ही हैं, बट क्योंकि मेरे पास भी हैं, बट मैंने ये नए बुलाए हैं अपने लिए, पुराने वाले सारे यूज़ हो चुके हैं और अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे चेंज करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मल्टीपर्पोज केबल क्लिप है, ये आप देख सकते होंगे। जैसे ये मल्टीमीटर की जो वायर है, तो मल्टीमीटर की वायर क्या होती है दोस्तों, एक यहाँ भागती है, एक वहाँ भागती है, तो आप नोटिस कीजिए कि अब ये जो वायर है ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो चुकी है, ये चुप यहाँ पर। और देखिए जो एक सनसाइन का DSO मल्टीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी वायर को मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी हद तक केबल मैनेजमेंट करना पड़ता है अच्छा अगर वर्क करो तो, नहीं तो मैसी रखना है तो फिर तो कोई भी बेवकूफ़ इंसान अपने टेबल को मैसी रख सकता है, बट मेरे को लगता है टेबल क्लीन होना चाहिए, और जहाँ क्लीन होगा वहीं देवी देवताओं का वास होता है, यही मानना है हर जगह। तो ये केबल क्लिप है, काफ़ी अच्छा है, ये भी 100-150 रुपए का, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। ये एक और चीज़ बुलवाता हूँ, ये और चीज़ मैंने बुलाई है, आप नोटिस करो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह के हैंडल में यूज़ होता है, और आप देख सकते हैं ये आईसी के ग्लू काटने के लिए है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं इसको आपको एक बार टीवी में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए,
तो इस तरीके से ये ग्लू को काटने के लिए और ये आईसी को उठाने के लिए, तो ये दोनों ट्विन वन है, ये आईसी को उठाने के लिए है और ये ग्लू को कट करने के लिए, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने बुलाया, इसको मैं चेक करूँगा कैसा इसका फीडबैक है। तो मैंने सोचा कि मैंने इसको देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इसको बुलाना चाहिए। तो एक ये चिल्ली है और सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, आप देख सकते हैं मैकेनिक का, तो इसमें सबसे अच्छी खासियत मुझे क्या लगी, आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि आईसियाँ फैल जाती हैं यहाँ पर, मैं आईसीओ को यहाँ पर देखिए, जैसे ये छोटी सी आईसी है अभी यहाँ रखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए अभी आईसी निकली हुई है, तो ये आईसी जैसे अब हमने निकाली तो ये गुम ना जाए, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर यूज़ करूँगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्किंग, यहाँ पे सारे सीपीयूस रखे हुए हैं, ये देखिए इसके अंदर, इसके अंदर सारी रैम है और इसके अंदर एमएमसी है सारी, और इसके अंदर नैंड है क्योंकि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे काम करते हैं हम, और नैंड और पावर, तो मैं पावर को इसके अंदर रख लेता हूँ, ये देखिए ये पावर डाल दी इसके अंदर। सो काफ़ी अच्छा रेंज हो गया है और नाम भी लिख लिया हमने, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कितने सारे टूल्स आ गए, जो भी यहाँ रखे हुए थे, जो भी यहाँ रखे हुए थे वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए इसको भी रख लेता हूँ, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि सारे स्क्रैपर आपके, ये देखिए एक जगह पे सारे स्क्रैपर आ गए, देखिए आपके ट्विजर्स आ गए, आपके ब्रश आ गए, ये देखिए, और हमने अपना एक लोगो भी लगा दिया, ब्रांडिंग भी कर दी अपनी, ये देखिए ये हमने पेन रखने के लिए तो नहीं है, ये मैंने ऐसे रख दिया था, हमने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर भी रखे और सबसे बेस्ट स्टेंसिल्स, याद है मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो, मैं स्टेंसिल्स ऐसे रखता था, ये मल्टीमीटर हटाता था तो स्टेंसिल ऐसे गिर जाते थे, ये मैसी लगते थे और ख़राब भी लगते थे, स्टेंसिल्स मुड़ भी सकते थे। अब यहाँ पर स्टेंसिल्स, ये देखिए ये स्टेंसिल रखने का कितना अच्छा अरेंजमेंट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप भी मंगाएं, ये देखिए। अब मुझे है स्टेंसिल तो मेरे पास बहुत सारी, तो बट मुझे अगर कोई स्टेंसिल चाहिए जो करेंटली वर्क कर रहा हूँ, जैसे कौन कौन सी स्टेंसिल में करेंटली वर्क करता हूँ ये भी दिखा देता हूँ। चलो जैसे एक यूनिवर्सल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, आपकी MMC वाली, और आपकी अभी सैमसंग E3 जो डुअल डेकर और रैम एम के लिए यूज़ होती है, तो आप देखिए ये देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है। तो ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता, ये चेक करने के लिए कि इसकी ब्लेड में कितना दम है, ठीक है, काफ़ी हद तक हार्ड है, अब इसको यूज़ करने के बाद पता चलेगा इसमें कितना दम है, दिख रहा है आपको। तो ये मैंने परचेस किया हुआ है दोस्तों, ये वाला मेरे को ना कॉपी में मिला है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, मैं पहले ही बता दूँ ये कॉपी है, मैंने इसलिए इसका ब्रांड हाइड कर दिया क्योंकि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा फिलहाल, तो बट ये सस्ता है क्योंकि हमें नए इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और काफ़ी महंगा होने के कारण बार बार परचेस करना भी नहीं हो पाता है, तो एक बार हमने सस्ता भी यूज़ करने की कोशिश की है कि देखो अगर इससे काम हो जाता है तो बेस्ट है। हमें ये मिलता था 800 रुपये का, ये हमने 450 रुपये का लिया है, तो लगभग आधा ही मान लीजिए, तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया है, ठीक है। और सबसे बेस्ट मेरी ये अरेंजमेंट जो मुझे लगा, यहाँ पर मेरी आईसीआर भी हो गई, मेरे टूल्स भी हो गए, मेरे स्टेंसिल्स भी हो गए, क्या चाहिए। और मैंने क्या लिया हुआ है ये एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने JBC यूज़ करता हूँ, आपको पता है JBC काफ़ी बेस्ट है, और ये जो बिट है ये ओरिजिनल बिट है JBC की, तो ये बिट भी काफ़ी हद तक मैं यूज़ कर चुका हूँ, उसको चेंज करना है मुझे, बट अभी ओरिजिनल भी लगाऊंगा तो 2500 की आएगी, तो इसका एक
आता है OSS का, जो ये सपोर्ट करती है JBC को, ये देख सकते हैं OSS का। तो ये बिड मैंने ली है, ये मुझे पता कितने की मिली है, ये मिली है 600-700 रुपए की आई थिंक, नहीं नहीं 300-400 रुपए की, तो 400-500 रुपए की मिली है शायद। आप देखिए 2500 की है ये 2500 की है और ये 400 रुपए की है। और ये नहीं कहूँगा कि ये एक साल चल जाती है, ये एक महीने भी नहीं चलेगी, पता नहीं, ये भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी हद तक चलती है, ऐसा कहना गलत है कि ये है ये नहीं चलेगी ये है और ये JBC ख़राब कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं इसको चला चुका हूँ इसलिए मैंने ये लिया है, ये मेरा सेकेंड टाइम है जिसको मैंने इसको परचेस किया है। तो ये बिट यूज़ करना काफ़ी फायदेमंद है। तो नाइफ बिट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ओरिजिनल, ये देखिए ओरिजिनल बिट और ये OSS की बिट, कॉपी बोल सकते हैं, JBC की नहीं है तो ओरिजिनल तो JBC की होगी, अब कोई भी कंपनी हो। तो ये मेरे को 400 रुपये की मिली यार, 500 रुपये की, अब क्या बोलूँ है, इससे सस्ती क्या है। तो अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि कोई टूल का एरर तो नहीं आ रहा है, ये लग गई, देख रहे हैं आप। तो अब इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं ये सपोर्ट तो नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, उसको उठाता हूँ। सो आप देखिए ये हीटिंग भी चालू हो गई और ये देखिए। तो मैंने क्या बोला, ये देखिए क्या चाहिए, सस्ते में अगर काम हो रहा है तो 400 तक चली गई। और देखिए ये वापस स्लीप मोड पर चला गया, तो काफ़ी अच्छा है। तो काय को अगर इतना पैसा खर्च करना जब आपका काम सस्ते में हो जाए, और मैं बोलता हूँ अगर एक महीने के बाद भी खराब हो गई, दो महीने के बाद भी, तो बहुत चल गई 400 रुपये की, 2500 में तो 5 आ जाएगी, मतलब फिर भी आपका 6-7-8 एक महीना, और एक महीने में कबाड़ ख़राब तो होने से सवाल ही पैदा नहीं होता है। JBCB का फ़ायदा यही होता है, स्लीप मोड में जाता है 0.3 सेकेंड, बाकी तो कहने की होती है पर गिनते हैं लोग, पर इसका तो कोई टोरी नहीं है, ये तो वर्ल्ड क्लास सोल्डिंग आ रहे हैं। तो ये भी कैसी लगी बताइएगा जरूर। और तो यही सारे आइटम हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट जो दोस्तों क्या लगा है वो मेरे पीछे है, आइए दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये है IC अरेंजमेंट, ये देखिए अभी आप देखिए IC अरेंजमेंट मैंने कैसे रखा हुआ है ऐसे डिब्बों में, तो आप नोटिस कर रहे होंगे, ये देखिए ऐसे डिब्बों में आप नोटिस कर रहे होंगे, हर एक के बाद यहाँ पे कुछ बोर्ड है IC। अब मुझे अरेंजमेंट करने के लिए ये बॉक्स में, हालांकि ये मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो मेरी वाइफ, आओ भाई मैं इनसे मिलाता हूँ। क्यों भैया तुम्हें क्यों चाहिए ये ज्वेलरी रखने के लिए? आ जाओ, ठीक है। वो आना चाहती है, वो आती भी है, बट अभी वो आना नहीं चाहती है, कोई नेक्स्ट वीडियो में उनसे लेंगे। अब कमेंट करो कि अब मैं वाइफ को वीडियो में लाऊं कि नहीं लाऊं। तो ये आपका, आपने ले लिया ये? हाँ मेरा हो गया वो, मुझे बहुत पसंद आया, उसमें बहुत सारे पार्टीशंस हैं जो मेरे नेकलेस, इयररिंग्स और भी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, बाकी दोस्तों ये आप अपना जरूर लीजिए, इसमें आप पर्टिकुलर एक IC का मॉडल रख सकते हैं, यहाँ आप नंबर डाल सकते हैं, यहाँ आप अपने बोर्ड रख सकते हैं, स्क्रैप बोर्ड। तो आप देखिए इसमें दो तरह के खंड मिलेंगे, तो आप यहाँ पर भी बोर्ड रख सकते हैं, यहाँ पर भी। तो ये जो स्क्रैप बोर्ड होते हैं, दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो स्क्रैप बोर्ड होते हैं, ये देखिए ये आप आसानी से इसमें रख सकते हैं इस तरीके से, तो काफी अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ से बोर्ड निकालिए, डाल लीजिए। सो ये एक मैं और बुलाऊंगा, ये मेरे को पड़ा है 1500-1800 रुपए के लगभग का, थोड़ा और बड़ा है, जो मैंने बुलाया था वो थोड़ा छोटा साइज का था, बट मैं एक और बुलाऊंगा, काफी अच्छा लगा है। अभी ये मैंने अपनी वाइफ को दे दिया है, और अपनी ज्वेलरी वगैरह और ये सब रखेंगे, क्या ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत महंगा भी नहीं है, 2-4-2500-3000 का, 1800 रुपये में ये, और बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत चीप है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, और हर तरह के IC यहाँ से रख सकते हैं, हर तरह के ICs आप कंपोनेंट रख सकते हैं, आप यहाँ पर PCBs रख सकते हैं,
काफी है, 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 30 ऊपर है और 4 1 2 3 और 1 2 3 1 2 और 12 नीचे है तो काफी अच्छा है। तो कैसा लगा ये बताएगा जरूर दोस्तों। ये वीडियो काफी लंबा है पर डिटेलिंग में बनाया, आपके साथ शेयर किया थोड़ा सा अपना टूल्स का एक्सपीरियंस, तो अपने टेबल एबल को थोड़ा दिखाया है और आई होप कि आपको पसंद आया। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल परचेज कीजिएगा। और दोस्तों मैं इसका कोई भी लिंक विंक नीचे नहीं डालने वाला, देखिए इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप इसको गूगल में आप इसको फोटो लीजिए अपने डीलर या जहां भी आप जानते हैं, जिस भी आप डीलर से या जिस भी आप टूल वाले के वीडियो या जिस भी आप टूल के वीडियो देखते हैं तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी मैं ZS मलिक सर का नंबर दे देता हूँ, आप चाहें तो ये सारे टूल्स उनको फोटो भेज सकते हैं और उनसे परचेस कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। मैं कहीं से नहीं बोलता, कहीं से भी लो, आपकी मर्जी है, आपकी रिस्क से है कि हमारा तो मेरा काम है सिर्फ दिखाना और ये बताना कि किस तरह के टूल्स मैं सारे यूज़ कर रहा हूँ। और आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।